हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हो? होप आप लोग ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक न्यू डेस्टिनेशन पे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हर जगह कुछ ऐसा और कुछ नया दिखाऊंगा, तो अभी जिस लोकेशन पे हम जा रहे हैं वो कुछ बहुत ही ख़ास होने वाला है और आप ज़रूर देखना। मैं वहाँ पर जाके आपको बताऊँगा कि क्या है सरप्राइज़ आज का, और फिर आप देखना और बताना कि आपको ये कैसा लगा, कि आपने कभी ये चीज़ एक्सपेक्ट की थी। अभी हम चलते हैं डायरेक्ट अपने लोकेशन की तरफ। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में जिसकी इमेजिनेशन आपने नहीं की होगी। वैसे तो आप बहुत सारे रेस्टोरेंट घूमे होंगे, बट ये रेस्टोरेंट कुछ अलग है। ये अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इंसानों की जगह आपको रोबोट सर्व करते हैं। और ये रेस्टोरेंट लोकेटेड है नोएडा के सेक्टर 104 में। नोएडा जिसको आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं, ये फेमस है अपनी हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए, रोड्स के लिए, मॉल्स के लिए। और ये जहां हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट कालिंदी कुंज से सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। आप इजीली उस रेस्टोरेंट में पहुँच सकते हैं। हम पहुंच गए हैं सेक्टर 104 की मार्केट में और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, बार्स मिल जाएंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, और ये बेस्ट प्लेस है हैंग आउट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। फाइनली हम पहुंच गए हैं जहां हमें आना था, रोबोट रेस्टोरेंट, जहाँ से इसकी ये एंट्री है। और ये इसका एम्बियंस है। इस रेस्टोरेंट की खास बात ये है कि इसका एम्बियंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कलर्स जो थे वॉल्स के वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, और आप देख सकते हो इस पर लिखा है आई लव यू रूबी, क्योंकि जो रोबोट है उसका नाम है रूबी। और आपको इसमें एक जयपुरी टच मिल जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे वॉल पे हवा महल और जो कस्टम है, जो वहाँ का ट्रेडिशन है राजस्थान का, वो दीवारों पे झलक रहा है। क्योंकि जो ये फर्स्ट रेस्टोरेंट था ये जयपुर में ओपन हुआ था, तो ये सेकेंड रेस्टोरेंट है जो नोएडा में ओपन हुआ है। ये है मेन्यू और इसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग कॉन्टिनेंटल खाने मिल जाएंगे, और ये पूरा वुड का बना हुआ है। तो हमने जो ऑर्डर किया था वो किया था मैक्सिकन टाकोस, पिज़्ज़ा और पिंक सिटी जो आप देख रहे हैं शेक, और एक न्यूटेला शेक। मैक्सिकन टाकोस बहुत अच्छे थे और पिज़्ज़ा भी ठीक था, एंड जो पिंक सिटी शेक था वो बहुत अच्छा था, बट उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू, फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा थी उसमें। तो हमें ओवरऑल खाना बहुत अच्छा लगा, और जो हमारा 2% का जो बिल आया था वो लगभग 1400 के करीब आया था अप्रॉक्सीमेटली, बट ओवरऑल बहुत अच्छा था। स्पेस भी बहुत अच्छा था, बैठने की सिटिंग्स बहुत अच्छी थी, चेयर्स का जो कलर कॉम्बिनेशन था वो भी बहुत अच्छा था, वॉल का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो आप हमें ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताएँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं तो, और हमें बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच।